अचानक से बारिश लग पड़ी है। अभी थोड़ी देर पहले धूप लगी हुई थी और एकदम ना मौसम टोटली ख़राब हो गया। ये देखो आजकल ना मौसम का एकदम पता नहीं चलता है, कब धूप लगती है, कब गर्मी हो जाती है एकदम, कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है, कभी ठंड वाला मौसम हो जाता है। ये देख सकते हो धीरे से बारिश हो रही है, ये आप देख सकते हैं, देखो दिन की बारिश लगी हुई है और अभी ना मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। चलो हम बाहर से किचन में जाके देखते हैं वंदना क्या कर रही है। इनको अरे काफ़ी गिल्ला हो गया, अरे बहुत गिल्ला हो गया, अरे अरे ठंड लग रही है भैया। और ये देखो माय गॉड, यहाँ पे बन गए गरम गरम परांठे और चाय। के बच्चे हुए थे ना दिन के, बच्चों को लगी है भूख तो फुलकों के ऊपर लगा दिया मैंने देसी घी और इनके बना दिए फिर। और ले जो जबरदस्त परांठे, सब्जी है आलू मटर की। और ये क्यों टकरी है ये? ये अभी अभी रील बना रही थी ना इंस्टाग्राम के लिए। तो अभी तक उसके ऊपर उस भूत सवार है, उस भूत का ही सवार भूत है। बेटा रील में बहुत अच्छी नहीं नहीं और बेटा रील में सुन लिया मैंने ना लिखवा, रील में बहुत अच्छी बनाता हूँ फिर जो होमवर्क नहीं करता है पता है ना फिर। हाँ चलो तो चलो, नहीं मैं नहीं खाता हूँ, नहीं मैं खाता नहीं। इसके बाद अभी चला हुआ है स्टडी टाइम, तो मैं और मिट्ठू यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मतलब मिट्ठू को रीडिंग करवा रही हूँ और बाकी शानवी और शानवी के पापा वो दूसरे वाले रूम में पढ़ रहे हैं। ऐसे डिस्टरबेंस हो जाती है ना, तो यहाँ मैं और मिट्ठू पढ़ते हैं और बाकी दूसरे वाले रूम में शानवी और शानवी के पापा पढ़ते हैं। नहीं आता पढ़ने बेटे, अब शानू को भी देख लेते हैं हम जरा। ये देखो पापा की परी, मैंने भी इसको मैथ कराया थोड़ा सा ना। पहले बेटे लर्न करना है ना, देख मैं 100 बार बोला होमवर्क तब करना है, पहले उसको समझना है, लर्न करना है, फिर अपने आप उसको लिखना है बेटे, ठीक है? चलो अब जल्दी करो, उठ जाओ भाई, टाइम हो गया है। शान भी सुबह से उठ करके होमवर्क किए जा रही है। और चिलगोजू अब तो उठ जा, जल्दी से नाई करनी है। मेरा चिलगोजू है, उठ जल्दी, कपड़े प्रेस कर दिए, कर दिए मुट्ठी ने, नहीं किए झूठ प्रेस कर दिए मैंने, और झूठ मत बोल। वो चिलगोजू पापा खाने में क्या है? आज शानवी के फेवरेट राजमा चावल है। आज तो खुश हो गई शानवी, इतने दिनों के बाद बने हैं ना राजमा चावल स्कूल को। तो हाँ आज तो ये मुझे लग रहा है कि ढेर सारे राजमा चावल खाएगी, है ना? दो प्लेटें लगानी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है मैं लगाती हूँ, तब तक प्लेट उठ मेरे चिलगोजे। चलो पहले नहा दो करके जल्दी से, मिठू चल जल्दी उठ जी, इसका वो नहीं वाला है, जब तक निकलेगा तब तक ही हो जाएगा। कब तक उठ रहा हूँ, आज फिर से ठंड हो गई है ना। बोल रही है मेरी राइटिंग देख लो कैसे लिखती हूँ मैं, अच्छा लिखती है, शाबाश। ये तो मैं लिख रहा हूँ, नहीं मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ओके ओके शाबाश। खाने में आज बन रहे हैं राजमा चावल, तो बच्चों की जिद थी इसलिए सुबह ही बना दिए, लंच में वो लोग भी ले जाएंगे। तो यहाँ पे तड़का तैयार है, बाकी एक आलू इसमें डाला हुआ था जब बॉईल करने के लिए डाले थे ना राजमा रात को ही भिगोने के लिए डाल दिए थे और फिर सुबह बॉईल करने के लिए डाले। और आलू मतलब थोड़ा ग्रेवी ना थिक जैसी बन जाती है इसलिए सही रहता है, एक आलू अच्छी तरह से मैश कर लिया और उसके बाद फिर इस पे डालेंगे ये बॉईल किए हुए राजमा। पहले राजमा ही डाल रहे हैं ताकि मसाले के साथ थोड़ी सी देर के लिए ये भी पक जाएं और फिर उसके बाद जो भी बचा हुआ इसमें पानी होगा ना बॉईल करते बार जो बच जाता है तो वही फिर इसमें ऐड करेंगे। और बच्चों की फरमाइश से आज बने हैं तो इस चाव में वो भी फिर ढंग से खाना खा लेते हैं। टिफिन के लिए बड़ी समस्या रहती है कि डेली क्या बनाएं। ये देखिए आज ना मौसम एकदम ठंडा हो गया है, रात को बहुत बारिश हुई, बहुत ज़्यादा तूफान, ऊपर हमारा ना एक डोर रह गया था ऊपर जो है, क्यों जनाब? रात को उठ के गया मैं 12 बजे, वो ठल ठल ठल
छोड़ा किसने था? आपने ही छोड़ा था ना, जैसे वो भूतिया सीन होते हैं ना, टन टन जो ऊपर, मतलब जहाँ से हम, क्या है वो गेट नहीं, ऊपर वाला, हाँ बंद, तीन तीन पड़े वाला, वो तीन पड़े वाला, हाँ तो तालड़ी जब पुराने घर होते थे ना मिट्टी वाले, तो वैसे तालड़ू होते थे ऊपर, तो वैसा तालड़ू बनाया हुआ ना हमने ऊपर, तो उसका दरवाजा रह गया था, ऐसा है। और मौसम ये देखिए, बिल्कुल ना धूप भी नहीं लगी है ना, और ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, तो एकदम ठंडा लग रहा है मौसम। कई स्कूलों की वैन नहीं चल पड़ी, और वे मिठे क्या हाल है, खट्टा कहाँ है, हैं? अरे खट्टे, अरे मीठा कहाँ है, मीठे खट्टा कहाँ है, मैं खट्टा हूँ। राजमा चावल कैसे बने थे, खट्टे बने थे, खट्टे वो इसलिए बने थे उसके अंदर मैंने आमला पाउडर डाला हुआ था। नहीं नहीं वैसे खट्टे भी नहीं है, पर वो अच्छे हैं, टेस्टी है, ठीक है। पर आपको खट्टा ज्यादा याद आ रहा है तो हमने भी बोल दिया भी खट्टे हैं। खट्टे, ये आप देख सकते हो मौसम आज काफी ठंडा वाला मौसम है, ठंड हो गई है, और अप्रैल के महीने में भी इतनी ठंड खत्म होने वाला है, अप्रैल का महीना। चलो जल्दी करो यार, फटाफट कर लो। क्या हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी गर्मियां भी नहीं आई थी, विक्रम गर्मियां एक दो दिन ही रही, बारिश तुम लोगों को पसंद नहीं है ना गर्मियां, इसलिए इस बार भगवान ने सोचा कि मेरे को पसंद है, पूरी की जाए, मेरे को है पसंद गर्मी। और देखो नंदी वहां पे खा रहा है खाना उधर खंडर में। बच्चे हो गए रेडी, खाना वाना खा करके तैयारी श्यारी कम्प्लीट होके अभी बच्चे जा रहे हैं स्कूल। शान भी थोड़ा सा लेट हो गई, ये अपना ब्रश कर रही थी खाना खाने के बाद वाला, दांतों में लगा रह जाता है इसलिए फिर से ये ब्रश कर रही थी। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि कभी मौसम ठंडा हो जाता है, कभी गर्मी आती है, कभी बारिश हो जाती है, अप्रैल खत्म होने को है, मौसम ठंडा है। ये तो है, तो अच्छी बात है। दो तीन महीने के बाद में बरसात आ जाएगी, गर्मी का नाम छाने का। आपको गर्मी चाहिए थी? गर्मी ठीक रहती है। ले जी, तो आपने तो हाफ स्लीप पहने हुए हैं, आपको ठंड लग रही है? तो लग तो रही है ना ठंड, क्या करना है, तो हाफ स्लीप मत पहनो ना, फुल स्लीप। बॉडी दिखा रहा हूं, बॉडी बस, बहुत बड़ी बॉडी है, बॉडी ये देख, बॉडी। बच्चे चले गए स्कूल और मेरी चल पड़ी क्लीनिंग रूटीन। तो आज मैं क्या अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, एक्चुअली डेली डेली ना डस्टिंग करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, और बड़े घर के साथ ये दिक्कत बहुत होती है। तो आज मैं क्या अच्छी तरह से डस्टिंग करूँगी, क्योंकि दो तीन दिनों से नहीं करी हुई थी, और फिर आपको तो पता ही है कि अगर अच्छी तरह से डेली ये सब चीज़ें टचअप ना हो तो फिर जाले लगने शुरू हो जाते हैं। तो पहले तो मैंने झाड़ू ही लगा लिया, और बाकी झाड़ू से भी इधर उधर मैं मतलब दीवारों के कॉर्नर वगैरह इसी से साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद फिर सारा, पहले तो मैंने ये जो भी सोफ़े कवर वगैरह हटा करके ये साफ़ कर लिए, फिर इसके बाद धूल जो है टेबल के ऊपर भी फिर जम जाती है जब आप डस्टिंग कर रहे होते हो तो, और शीशे के ऊपर तो ऐसे भी दूर दूर से उड़ के भी ऐसे चिपक के बैठ जाती है ना। फिर सारे के सारे सोफ़े भी क्लीन किए, पोछा लगा रही थी, और ये देखो बारिश, ये बारिश के छींटे, अरे मेरा कुछ पता नहीं चल रहा है, बस दो मिनट में ही देखो भाई, कलयुग है ये कभी भी कुछ भी हो सकता है ये देख सकते हैं बारिश लग पड़ी है यहाँ पे, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये ठंडा मौसम है, लगाओ जी पोछा, हाँ अंदर नहीं होनी, कुछ नहीं है, बाहर से कहने बारिश में भिगो इसको और लगा दे, क्या बात है, टाइम बच गया वंदना का। ओ भाइयो, आज ना मेरा पोछा लगाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ, जो आगे काम कर रहे हैं ना, घर का काम चला हुआ है, तो वहां पे जहाँ से हम एंटर होते हैं ना, तो वहीं पे पूरा मतलब मिट्टी मिट्टी है, तो वो सारी मिट्टी जो भी कोई मतलब घर की तरफ आ रहा था ना, तो पाँव के साथ आ रही थी, और सारे घर में फिर मिट्टी मिट्टी हो गई,
ऐसे तो आज मैंने ये देखिए, मतलब इस साइड भी आज मैंने पोछा लगा दिया था, क्योंकि यहाँ इस वाली साइड को ना छज्जा है आगे तक, तो बारिश नहीं होती। हेलो एवरीवन, आज बारिश लगी हुई है ना बहुत ज़्यादा तेज वाली, तो ये देखिए हम लोग, मैं यहाँ पे, फोन मेरा हाथ में है और मैं कर रही थी एडिटिंग। जनाब अपनी, यार मौसम ना पूरा ऐसा लग रहा है कि रात हो रही है, देखो बाहर पूरा ही मतलब काला काला ही हो गया बाहर, मौसम कितना ज्यादा पूरा ही जैसे दिन में ही रात हो गई है। वाह, इसका जूम तो बड़ा अच्छा है, और देखो सामने वाले घर भी जूम हो गए। हमारे मेहमान बोल रहे हैं कि हीटर लगाया जाए तो हीटर लगाया जाएगा जनाब के लिए, बाहर बर्फ गिर रही है, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, और ये हमारे जनाब चले गए हीटर लाने। हीटर लास्ट कमरे अंदर रखी इतना में, आपने तो बहुत भारी भरकम कोट कोट पहन के आए हैं, मतलब इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि इतनी ज्यादा ठंड हो गई है, ठंड बहुत ज्यादा हो। रीजन क्या है, मतलब थोड़ा सा बताएं हमें भी। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तूफान आया हुआ बाहर। और अच्छा अच्छा तो आप से लटक रहे हैं हम। अच्छा अच्छा तो आज भाई साहब के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, इनके भाई साहब का आज इंटरव्यू है और देखते हैं बैंक में अगर सिलेक्शन हो गई तो। किस्मत ऐसी है भाई साहब की कि आंधी तूफान आ गया इंटरव्यू वाले दिन, बसों का चलना आगमन भी स्टॉप हो गया। नहीं आप टेंशन, भाई साहब का जो भाई साहब इतने मोटिवेट है कि भाई तूफान से लड़ कर आ गए हैं, आप टेंशन न लीजिए। ये जो आपके जीजा जी है ना, जीजा जी तो ये मैनेजर साहब से बस एकदम बात करके आए हैं फुल एंड फाइनल। क्यों जनाब, वो तो चलो हैं भी मित्र हैं आपके क्या, वो तो चलो दूसरी बात है अप्रोच की, सही तो है ना, बंदा खुद भी मतलब मोटिवेट रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इतने आंधी तूफानों से लड़के जब आता है तो तभी पता चलता है कि बाकी इसमें जुनून है काम करने का, और आप में हमें वो जुनून दिख रहा है। तो ये देखिए हमारे पति देव ने आपके लिए हीटर लगा दिया, आप हीटर सेके और हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाते हैं। 11 बजे आपके सेशन में पहुंच चुके हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो आराम से आप हीटर सेकिए और हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े भी खाएंगे चाय के साथ है भाई साहब, पकौड़े भी खाएंगे साथ में। अच्छा मतलब इतना लेट नहीं करना कि इतनी ज्यादा ठंड है। आप चिल्ड वाटर तो नहीं पियेंगे फ्रिज से निकला हुआ? नहीं नहीं, बस आपको हमें चाय पिला दीजिए बस, इतना ही ऐसा ठंडी। तो चलिए मैं चाय बना करके लेकर के आती हूँ ना, गिल्ला तो है ना, हाँ थोड़ा थोड़ा ही गिरा है, रेनकोट नहीं है, दूसरा कोट है, रेनकोट मिल रहा है नहीं वहाँ से। तो ये लीजिए मैं आपके लिए चाय लेकर के आ गई भाई, गर्म गर्म लीजिए आप भी। आप कपड़े दिखाने लग गए, वो तो इतनी भाव की ये कपड़े वगैरह दिखाने लगे, वो मुझे नहीं दे इतनी काम आता हरियाणी डाट नहीं आ रही है, कई बार बेली चीजें खा ले ना तो टाइम भी आ रही है सचमुच आने लगे। अच्छा अच्छा तूंगा तो टैबलेट लेनी पेन किलर ऑल द बेस्ट टीम, थैंक यू सो मच। इंटरव्यू है आज तो उसको दे आते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे आफ्टर ब्रेक के बाद और बताएंगे आपको रिजल्ट भी किस तरह करा इंटरव्यू किस तरह का क्या क्या था। पतिदेव हमारे बहुत चिंतित हैं कि भाई पता नहीं कैसा इंटरव्यू होगा और कहीं मेरी है क्या बोल रहे हो, क्या सोच विचार में डूबे हुए कुछ, मैं ठंड लग रही है मुझे तो इतना मत कांपो इसके साथ जाओ स्कूटी पे सारी ठंड भाग जाएगी। थोड़ा सा एक देखिए पिलर भी है हमारे साथ, हमारे जो सारे एरिया मैनेजर हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड रहता है, मतलब कॉन्फिडेंस। चलो ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट, जल्दी से निकल लो आप पहले ना, पहले अपना टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जानता हूं मैं। हां जी ओके। यार बिटू भाई ऐसा मत बोल यार मेरे भाई, मेरी तो इज्जत इज्जत की तो जी उड़ जाएगी, जी उड़ जाएगी। कैसा रहा इंटरव्यू? वो इंटरव्यू हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। अच्छा बोला उन्होंने रिजल्ट के लिए, बोला शाम तक डिक्लेयर कर देंगे। हां नहीं रिजल्ट तो निकाल दिया, शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा। नहीं आपको तो बता दिया ना, यहीं पे साइट पे डालेंगे वो तो शाम तक ना, पर अभी आपके पास तो आ गया फुल एंड फाइनल। अच्छा अच्छा तो आप ऐसे ही आ गए, लड्डू का डब्बा ही ले आते हैं बहन के लिए, क्या डाला तो है इसमें अभी खोलने के बाद। अच्छा तो ये तो छाता लग रहा है, छाते के नीचे डब्बा है, सामने भी खोएंगे तब खोलेंगे ना। अच्छा
पता क्या है ना, आजकल मिठाइयाँ भी मांगनी पड़ती है। अब भाई जब मिठाई खाने वाली बात हो ना तो मांग लेनी चाहिए भाई, मेरा नेचर तो फ्रैंक है, मैं तो मांग लेती हूँ। क्या क्या बोल रहे हो? मैं तो खाता नहीं मिठाई। आप नहीं खाते? कब से छोड़िए, लाइट चली गई, आप झूठ बोल दिया आपने। सच बोलता हूँ इसलिए लाइट गई, मिठाई तो मुझे पसंद नहीं भाई वैसे भी। लाइट बार बार आ जाए, घृणा सी आ रही है आज के दिन तो। हाँ हाँ थोड़ा ना। अच्छा अच्छा, मिठाई लाऊंगा बाद में। ऑन कर लो तो हीटर आप ना। लाइट चलेगी। अच्छा लाइट लाइट ही चलेगी। अच्छा तब चलो ठीक है, कोई नहीं, मिठाइयाँ खा लेंगे बाद में, कोई चक्कर नहीं है। ऐसे ग्रैंड पार्टी कर लेंगे। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको हमारी तरफ से भी। और कब से आ रहे हैं फिर ड्यूटी पे? तब तो अब आप नजदीक हो गए इधर हमारे। बिल्कुल, अब तो आना जाना रहेगा ही आपके यहाँ पे। हाँ जी, तो कब से कर रहे हैं ज्वाइनिंग? कल से स्टार्ट है कि मंडे से? नहीं, मंडे से ही सोचता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, एक दो दिन पूरी कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट और मार लेते हैं जिंदगी का। हाँ जी, नहीं वो भी जरूरी है, शादी शुदी है ना, अभी शादी वगैरह की। हाँ छोटे तो बहुत काम है, बच्चे वगैरह पे वो निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद ही करेंगे शुरुआत अच्छे से। हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है ठीक है। भाई साहब कैसे लगे आपको राजमा चावल? रुकिए खाने लगे हो मेरे भाई यार, ये लो चम्मच। नहीं आज ठंड है ना, मौसम ठंडा है, तो ठंडे मौसम में आपको कड़ी खिला करके आपके तबीयत थोड़ी खराब करनी है। क्यों भाई है ना, कड़ी नहीं खानी चाहिए ठंडे मौसम में। तो आज हमने राजमा चावल बनाए हुए हैं और अचार के साथ मजा ही आ जाता है खाना खाने का, तो ऐसा ऐसा है। और बाकी हैं खाई लो, ये जो लगाई रहे ये देखिए यहाँ पे लगाया मैंने जनाब के लिए, पर ये खाना नहीं चाह रहे। मिर्ची नींबू कुछ और चाहिए हो तो भाई साहब, इधर ही है देखो रखे हो। यहाँ पे प्रॉब्लम है मुंह में, तो मिर्ची और नींबू कुछ भी नहीं, अचार में थोड़ा सा इसलिए लिया, खाने का मन कर रहा था। चलो खा लो, नहीं तो आप भी। नहीं भाई, इसी के साथ ही फिर आज के ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे एंड। बाकी मौसम आप देख ही सकते हो, फिर से ठंडा हो गया है, गर्म कपड़े अंदर रख नहीं पा रहे हैं, बार बार मौसम ठंडा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।